हेलो, सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस्टर मुमनईम। आइए आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी काम करते हैं, स्टेप अप भी करते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारा जो है ना, ये 226 इनपुट है और 380 भी इनपुट है इसकी। तो आउटपुट जो स्टेप डाउन हमारी वो 11/12 वोल्ट है और 11/13/24 वोल्ट है। तो आप ये प्राइमरी और सेकेंडरी भी बना सकते हैं इसको। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 12 वोल्ट सप्लाई है तो आप सेकेंडरी की तरफ 12 वोल्ट देंगे तो आउटपुट जो निकलेगी वो 220 भी निकलेगी और 380 भी निकलेगी। तो अगर 24 वोल्ट भी देते हैं तो फिर भी इसकी 220 निकलेगी प्राइमरी की तरफ। सेकेंडरी तो ऑलरेडी हमारी 24 वोल्ट है, सेकेंडरी में 24 वोल्ट देंगे तो आपको 220 भी मिलेगी, 380 भी मिलेगी। तो लिहाजा कभी कभी इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है ना कि हमारे पास टाइमर आ जाता है 24 वोल्ट का, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास और कोई 24 वोल्ट ही नहीं होते तो हम 220 देकर आगे से 24 वोल्ट निकाल के तो हम 24 वोल्ट का टाइमर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास 220 का आ गया टाइमर तो आप कैसे उसको सप्लाई देंगे। तो आपके पास 24 वोल्ट है, 220 नहीं है आपके पास, तो आप ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये भी आप लगा सकते हैं। आपके पास 24 वोल्ट है, इसकी सेकेंडरी साइड से आप सिर्फ 24 वोल्ट देंगे तो आउटपुट उसका आपकी 220 मिलेगी और टाइमर को आप 220 सप्लाई टाइमर होल्ड करवा सकते हैं। आप आगे उसके एग्जैक्टली कंटेक्ट से आप जहाँ भी ले जाने हैं वोल्टेज 220 आप ले जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये तकरीबन 3 एम्पेयर वाला है, ये जो है ये ज़्यादा एम्पेयर वाला है। ये इसमें प्राइमरी की तरफ इसकी 380 भी है, 440 भी है, 380 भी, 330 भी है। तो आउटपुट इसकी 0 पे 19 वोल्ट भी है, 24 वोल्ट भी है, 110 भी है, 220 भी है। तो लिहाजा ये है कि ये इसकी प्राइमरी सेट जो आप देख लेते हैं, ये 440 भी है, 430 है, 380 भी है, 0 भी है। तो आप इधर से आप सेकेंडरी तरफ 19 वोल्ट देंगे तो आपको उधर भी 440 निकलेंगे, 380 भी निकल सकते हैं। अगर 24 वोल्ट देंगे फिर भी आप 0 से 24, 0 से 19, अगर 0 से आपके पास 110 है, आपको 440 चाहिए वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 440 मिले, टू फेज मिलेंगे। सिंगल फेज तो नहीं मिल सकता, टू फेज 440 मिलेंगे, थ्री फेज नहीं मिलेगा। तो 0 से 110 पे ऊपर लगाएंगे तो फिर भी आपको 440 भी मिलेंगे, 380 भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। अगर 220 भी इधर से आप पास है, 380 आप लेना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। 380 को 0 से 220 सप्लाई देंगे, आपको 380 भी मिलेंगे, 440 भी मिलेंगे, पर टू फेज़ मिलेंगे, थ्री फेज़ तो नहीं मिल सकते। तो थ्री फेज़ भी ट्रांसफार्मर होते हैं जो फ़िल्टर होकर लगाए जाते हैं। तो ऐसे 380 दी, आगे से फ़िल्टर करके 380 ले लेते हैं। ये मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन भी हैं, स्टेप अप भी हैं। आप स्टेप डाउन की तरफ 24 वोल्ट देंगे तो स्टेप अप आपको ऑलरेडी 220 मिल सकते हैं, 380 मिल सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, ज़रूरी लाइक कीजिएगा और सरप्राइज कीजिएगा, आपको नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।